इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके इस यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो होगी। हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे। मस्त नहीं तो मस्त हो जाओगी यार, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आया हूँ जिस सोल्यूशन के देख के आप मस्त हो जाओगी। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अगर आप पोको के किसी भी मोबाइल यूज़ करते हैं, किसी भी मॉडल के मोबाइल यूज़ करते हैं पोको के, तो इस वीडियो को बिना किसी स्क्रीन के अंदर देखते रहिए। अगर आप पोको X4 Pro, M4 Pro या X3 या किसी भी पोको की मॉडल यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। पोको मोबाइल के बहुत सारे मॉडल में दो स्पीकर दिया जाता है, दो स्पीकर होती है, दो बॉक्स होती है पोको मोबाइल में, है ठीक है। इस पोको मोबाइल की दो बॉक्स काम नहीं करता है। अगर आप वीडियो देखती है, सॉन्ग सुनती है, तो वो दोनों बॉक्स में बजता नहीं है, दोनों बॉक्स में साउंड नहीं होता है। अगर कोई कॉल करता है तो इस रिंगटोन में दोनों बॉक्स में साउंड देता है, लेकिन गाना सुनने के टाइम, वीडियो देखने के टाइम दोनों बॉक्स में साउंड नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो कैसे उस दोनों बॉक्स में साउंड ले सकते हैं, उसी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन लेके इस यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो होगी। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाती है, उसमें जाके आपको आसान तरीके से समझाते हैं कैसे दोनों बॉक्स में आप साउंड ला सकती हैं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाके अच्छा तरीके से समझाते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। अब आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कैसे आपके मोबाइल में जो साउंड प्रॉब्लम होती है, दोनों बॉक्स में साउंड नहीं होती है, कैसे आप उस साउंड प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा अब। तो आपका करना क्या है, मेरा जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल की मॉडल है पोको X4 Pro 5G है, मेरा इस मोबाइल के मॉडल है। अगर आपके किसी भी मोबाइल है पोको की, किसी भी M4 Pro या X3 या किसी भी मोबाइल है आपको पोको की, मैं क्या क्या करता हूँ मुझे फॉलो कीजिए, सेम प्रोसेस है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल से आपको सेटिंग को ओपन कर लाना है, ठीक है। मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर जाना है। नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ में देखिए दिखाई दे रही है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। नीचे स्क्रॉल करके जाने के बाद आपको सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ में साउंड एंड इफेक्ट्स। इस साउंड एंड इफेक्ट्स में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ में कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल कर आ जाती है, ठीक है। यहाँ में आपको करना क्या है, यहाँ में देखिए, यहाँ में डॉल्बी एटमॉस, यहाँ में आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको जब इनेबल कर देती है तो आपको करना क्या है, इसको इनेबल करने से आपको कुछ नहीं होता है। इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ में देखिए प्रीसेट, इस प्रीसेट के में यहाँ में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ में देखिए डायनेमिक, वीडियो, म्यूजिक, वॉयस, आपको यहाँ में वॉयस या डायनेमिक किसी भी रहती है तो यहाँ में आपको सिर्फ वीडियो कर देना है। वीडियो कर देते तो आप किसी भी गाना सुनने के टाइम या वीडियो देखने के टाइम दोनों बॉक्स में साउंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों बॉक्स में साउंड ला सकती है। इसके बाद आपको यहाँ में देखिए धीरे ग्राफिक्स इक्वलाइजर, यहाँ में ग्राफिक्स आप सेट कर सकती है। यहाँ में कस्टम रॉक या जाज पॉप या किसी भी आप क्लासिक किसी भी सेट कर सकते हैं, आपको इक्वलाइजर लगा सकते हैं। यहाँ में वीडियो कर देने के बाद आपको दोनों बॉक्स में साउंड आ जाती है। तो इस कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा सब पा सकती है। पहले आपको क्या होते थे, अगर आपके मोबाइल में कोई कॉल करते रिंगटोन बजते तो दोनों बॉक्स में साउंड होती थी, लेकिन अब आपकी साउंड होगी वीडियो देखने के टाइम भी होगी, म्यूजिक सुनने के टाइम भी होगी या किसी भी काम करने के टाइम दोनों बॉक्स में आपको काम करेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए इस चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कैसे लगे वीडियो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके दिया हूँ मैं। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलती है अगली वीडियो में।